कोर्स करवाने जा रहे हैं। सैमसंग सेक्टर के अंदर आता है, जिसे मोलारिटी के नाम से जाना जाता है। सैमसंग SOLUTIOE बिलियन। टॉपिक का नाम है मोलारिटी। हिंदी में इसे मोलारिटी, हिंदी में इसे मोलारिटी कहा जाता है। मोलारिटी शब्द को डिस्कशन के रूप में आज लिए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में 100% गारंटी है कि इस बार एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्म है इस पर आएगा। अर्थात मोलारिटी का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी विलयन में विलय और विलयन के बीच में उपस्थित उसके द्रव्यमानों के भारों के रूप में तुलना। अर्थात मोलारिटी का परिभाषा देखेंगे तो एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलारिटी कहलाता है। ये स्टॉप कर। चार बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलारिटी कहलाता है। अर्थात इसका दूसरा परिभाषा भी इस प्रकार बना सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बिलियन का आयतन के अनुपात को मोलारिटी कहा जाता है। इसे सूचित किया जाता है। अर्थात बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के आयतन लीटर में, बिलियन के आयतन लीटर में। पुनः मोलारिटी बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन मिली में, जैसे ही मिली मिलेंगे तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई भी इन लीटर, या कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुने 1000 बाई भी मिली में। करने के लिए और भी फॉर्मूला हो सकता है, इसको
बस और व्याख्या कर देते हैं, मोलरता इज इक्वल टू एन बाई वी मीटर में, या एम इक्वल टू एन बराबर, आपको पता होगा, आप लोग जानते हैं मोल, एन को मोल कहा जाता है, मोल बराबर एट बाई मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात एन बराबर दिया गया भार बटा आणविक भार होता है, अर्थात एन के जगह पुट करेंगे डब्लू अपॉन एम डब्लू अपॉन वी लीटर में, तब हो जाएगा एम इक्वल टू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू वी लीटर में, इसी को एम बराबर डब्लू गुने एक बाई एम डब्लू गुने भी मिली में। इतना ही नहीं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और रिलाइज कर सकते हैं, जैसे एम बराबर प्रतिशत सामर्थ्य गुने घनत्व गुने आणविक भार भी होता है। इतना ही नहीं, नॉर्मलता के बीच में रिलेशन लाएंगे तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने संयोजकता भी होता है, प्रतिशत सामर्थ्य गुने घनत्व गुने दस बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ये सभी फॉर्मूला मोलरता के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी और लाभदायक है। या कैपिटल एम मोलरता है, एन संयोजकता बैलेंसी, यहाँ कैपिटल एन को नॉर्मलता कहा जाता है, नॉर्मलता ये भी नॉर्मलता के रूप में जाना जाता है। ये मोलरता वर्ड या मोलरिटी इस बार बिहार बोर्ड में 100% उम्मीद है कि आ सकता है, और बहुत ज़्यादा वीवीआई माना जाता है, करीब करीब हर साल इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट पूछ दिया जाता है एग्जाम में। इसमें मोलरता को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोल कैलकुलेट करते हैं, मोल कैलकुलेट करने के बाद उसमें यूनिट देखते हैं, उसका वॉल्यूम अर्थात आयतन किस रूप में दिया है, अगर वो मिली में हो तो पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मिली में नहीं हो तो ऐसा ही छोड़ देते हैं, हूबहू करते हैं। और मोल को कैलकुलेट करने के लिए वेट बाई मॉलिकुलर वेट अर्थात दिया गया भार बाई आणविक भार जो कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया गया भार ऊपर में रखते हैं और जो भी फॉर्मूला के अनुसार गणना करते हैं उस भार को नीचे रखते हैं, इससे सबसे पहले स्मॉल एन का मान निकल के आता है और फिर धीरे धीरे मोलरता का मान की गणना करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा डिनोट किया जाता है। बहुत बार मोलरता का मान एम अपॉन टू या टू एम या थ्री एम के रूप में भी दिया जाता है, कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्लियरली मोलरता का मान होता है जैसे 2m, 3m, m/2 अर्थात मोल का मान 1/2, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश।